हमारे सामने आए दिन न्यूज में अर्थ के पास से एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड के गुजरने की खबर चलती रहती है और हम इन दोनों में क्या फर्क है और खासकर मीटियोरॉयड्स और मीटियोराइट्स एंड मीटियोर्स में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सब में फर्क क्या होता है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हम इन सब सवालों का जवाब लेकर हाजिर है। तो चलिए पहले जानते हैं कमेंट्स यानी कि धूमकेतु के बारे में। कमेंट के टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला जो कि बर्फ, गैस और धूल के मिश्रण से बना होता है और दूसरा नाइट्रोजन के बादल से, तीसरा धूल का गुब्बार और चौथा कोमा है जो कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसों के मिश्रण से बने घने बादलों के समूह होते हैं और पांचवी इनकी पूंछ है जो कि सन के कॉन्टेक्ट में आने पर ही बनती है। ये पूंछ प्लाज्मा से बनी होती है। एक प्लेनेट के जैसे ही कॉमेट्स भी स्टार के चारों ओर अपने एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कॉमेट्स के चारों तरफ बर्फ की एक मोटी लेयर होती है। जैसे ही कॉमेट्स सन के करीब आने लगते हैं और वो गर्म होते हैं, वैसे ही उनसे एक तरह की लाइट एमिट होती है और उस लाइट को ही कोमा कहा जाता है। कॉमेट के गर्म होते ही उस पर की बर्फ की लेयर सब्लिमेट हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाती है बिना लिक्विड बने। इसी दौरान कोमा और कॉमेट की पूंछ का निर्माण भी होता है। कॉमेट की पूंछ कई मिलियन किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। कॉमेट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कॉमेट एंड सेकेंड लॉन्ग पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट की लाइफ 200 ईयर्स या उससे कम की होती है और वहीं लॉन्ग पीरियड कॉमेट की लाइफ 200 ईयर्स या उससे ज्यादा की होती है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह की। एस्टेरॉयड पर कोई बर्फ की लेयर नहीं होती है। एस्टेरॉयड लोहे, निकल और डिफरेंट मेटल्स से बने होते हैं। कुछ एस्टेरॉयड सिलिकेट और खनिज पत्थरों से भी बने हो सकते हैं। अब तक का नोटिस किया गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सीरीज है जो कि हमारे चांद के 1/4 साइज का है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 3 मीटियोरॉयड यानी कि उल्कापिंड के बारे में। तो मीटियोरॉयड स्पेस में घूम रहे एक तरह से मलबे होते हैं जो कि अलग अलग तरह के डस्ट और रॉक से मिलकर बने होते हैं। एक मीटियोरॉयड का साइज एक रेत के दाने से लेकर एक एस्टेरॉयड से छोटा होता है। नंबर 4 मीटियोर यानी कि उल्का। तो मीटियोरॉयड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तब उसे मीटियोर कहा जाता है। नंबर 5 मीटियोराइड यानी कि उल्कापिंड। जब मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आग पकड़ने लगते हैं जिस वजह से इनसे रोशनी निकलती है। वैसे तो ज्यादातर मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के कुछ देर में ही तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मीटियोर्स अर्थ पर बचकर पहुंच जाए तो उन मीटियोर को मीटियोराइट कहा जाता है। तो देखा आपने इन छोटी छोटी चीज़ों के बदलने की वजह से क्यों इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। उम्मीद है अब आपको इन सब के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर देना और आप आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो वो हमें कमेंट्स में आप जरूर सजेस्ट करना। तो हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।